प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे मेरे खुद के पर्सनल फेवरेट देशभक्त और भारत के पूर्व राजदूत दीपक वोरा साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। साथ हैं जी एम्बेसडर दीपक वोरा सर, और जैसा हमेशा ही लगता है कि फैमिली मेंबर्स बात कर रहे हैं। आई ऑलवेज फील लाइक दिस। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू द शो। आप मुझे बुलाती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी बेटी के साथ बात कर रहा हूं। थैंक यू सो मच सर, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और हमेशा ऐसे ही लगता है कि आई विश कि कभी मैं आपके साथ चाय या कॉफी पीते हुए बात करूं और कभी मेरी आपसे मुलाकात हो। ये मुझे बहुत दिल करता है। कॉफी तो मैं अभी पी रहा हूं। दैट्स गुड। लेकिन सर मुझे ये बताइए, आप तो कॉफी पी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि जी बिजनेस कमिटी कह रही है ट्रेड होनी चाहिए, ताकि हम भी कुछ टमाटर आलू प्याज मंगवा लें, तो क्या कहेंगे आप? अब ये ना कहिएगा कि ट्रेड हमने बंद की थी। नहीं, ये मैं कुछ नहीं कहूंगी, तो सबको मालूम है किसने बंद की थी। बेटा, इसमें जिन बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, जो मैंने स्टडी किया है, क्योंकि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में मेरी बहुत रुचि है, मेरा इंटरेस्ट है, खासतौर से रिग्रेशन एनालिसिस। तो ये मतलब होता है कि आप वेरिएबल्स इन वेरिएबल्स देखें, किस चीज को आपने बरकरार रखना है, किसको बदलना है, एटसेट्रा, और आगे आपकी तरक्की कैसे होगी। यूरोप ने जब ये किया था 17-18वीं शताब्दी में बेटा, तो द मेन रीजन जो था वो था फ्री ट्रेड। वो एक दूसरे से ट्रेड करते थे और उस तरह से सबकी जो आर्थिक सिचुएशन थी वो और बढ़ती गई। ब्रिटिश भी भारत में आए थे ट्रेड करने के लिए, हुकूमत का जमा के बैठ गए, वो दैट हैपेंड सबसिक्वेंटली। शुरू में ट्रेड, क्योंकि ट्रेड वाज द बेसिक रीजन। नेपोलियन ने तो ब्रिटिश को ये भी कहा था कि आप तो एक नेशन ऑफ ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स हैं, और आपकी सारी तरक्की इसलिए हो रही है कि आप ट्रेड करते हैं। सो ट्रेड बिकम्स द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। चीन में देखा आपने किस तरह से उनकी ट्रेड के जरिए लोगों को उन्होंने बेचना शुरू किया, वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गए, फिर आगे बढ़ गए। हम लोग बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बन गए भारत में, और हमारी भी तरक्की होने लगी। सो ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी ऐसा देश दुनिया में नहीं है जो सब कुछ बनाता है, जिसे हम ऑटार्की कहते हैं, मैं ये भी बनाऊंगा, ये भी बनाऊंगा, ये भी बनाऊंगा, नहीं हो सकता। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बाहर से लानी पड़ेंगी और अपनी चीजें वहां बेचनी पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हमारा GDP $4 trillion तक पहुंच चुका है, 4 trillion में 12 शून्य होते हैं, और हमारी जो फॉरेन ट्रेड है वो $1.5 trillion तक पहुंच चुकी है, यानी ऑलमोस्ट कहिएगा 30% जो हमारी GDP है, 30% हिस्सा उसका फॉरेन ट्रेड से, और इस साल शायद और बढ़ जाएगा। सो ट्रेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भले ही एक रीजन की दूसरे रीजन के साथ हो, एक देश के दूसरे देश के साथ हो, या फिर मैम एक चीज बेटी आपको बता, आप दुकान पे कुछ खरीदने जाती है वो भी तो ट्रेड है, आप उसको पैसे दे रही है वो आपको सामान खरीद रहा है। सो ट्रेड के बिना डेवलपमेंट नहीं होती। इसलिए अगर आपकी सरकार ने फैसला किया है कि हम भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, अब हम उसको स्वीकार करें कि नहीं ये अलग बात है, आई हैव नो कॉमेंट ऑन दिस, क्योंकि ये तो फिर बहुत सी चीजें ऐसी आ जाती हैं जिसमें लोग तरह तरह के विचार रखते हैं। मैं इसको अपने जो मेरे मित्र हैं जिनसे जब मैं बातचीत करता हूं, मैं इसको कहता हूं पिलियन सिंड्रोम। अब आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल पे एक तो ड्राइवर होता है, एक उसके पीछे बैठता है जिसने अपना हाथ मोटरसाइकिलिस्ट के कंधे पे रखा होता है, वो पिलियन राइडर होता है। दोनों फैसला कर लेते हैं भाई हमको लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, वो निकल पड़ते हैं। सामने वाला जो है वो बड़े ध्यान से सड़क को नेविगेट कर रहा है, उसके पीछे जो बैठा हुआ है उसने अब कंधे पे हाथ रखा हुआ है, उसको भरोसा है कि ये मुझे सही जगह दे जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया में जब हमने देखा तो बहुत तरक्की हुई, डेवलपमेंट हुई, तो इसको वो कहते थे फ्लाइंग गीज सिंड्रोम। आप देखेंगे जब ये उड़ती हैं बतखें, या गीज जिसको हम कहते हैं, आई डोंट नो द हिंदी वर्ड, तो जब वो उड़ रही होती हैं, आप देखते हैं कि सबसे सामने एक होती है, वो जैसे उड़ती है तो उसके पीछे वैक्यूम बनता जाता है, और फिर जो दो उसके पीछे या चार उनके पीछे, वो सब वैक्यूम में सक हो जाते हैं और उसके पीछे चलते हैं। इसको फ्लाइंग गीज फॉर्मेशन कहते हैं, मैं इसको पिलियन राइडर फॉर्मेशन कहता हूँ। हमारे कई पड़ोसी मुल्क हैं, अब नाम मैं नहीं लूंगा, आप तो जानती हैं मुझसे ज्यादा आप बुद्धिमान हैं, जिन्होंने ये स्वीकार किया कि वी विल राइड
पिलियन विद इंडिया, पिगी बैक ऑन इंडिया, भारत की जो तरक्की हो रही है हम भी उसका फायदा उठाएंगे, हम ट्रेड करेंगे, उनको बिजली बेचेंगे, उनको गैस बेचेंगे, उनका अगर उनको पानी की जरूरत है हम वो भी उनको देंगे, जो चीजें उनको चाहिए हम देंगे ताकि उनकी तरक्की का फायदा हम भी उठा सके। ये बहुत बुद्धिमान एक प्रोसेस होता है, इट्स वेरी क्लेवर थिंग कि टेक एडवांटेज। लैटिन अमेरिका ने भी बहुत फायदा उठाया था यूनाइटेड स्टेट्स का, कितना बड़ा मार्केट है, ये टेक्नोलॉजी है। आपको तो याद होगा 1990s में सबसे ज्यादा अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जो थी वो लैटिन अमेरिका में जाती थी और वहां के बहुत से देशों ने तरक्की की बेस्ड ऑन द अमेरिकन लीडरशिप। ये चीजें अगर हम लोग स्वीकार करें साउथ एशिया में, जो हमारा इलाका, जो भले ही हम अपने आप को कहते हैं साउथ एशिया में है, लेकिन हम तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन साउथ बना दिया हमको किसी ने तो चलिए हमने साउथ मान लिया। इफ वी कैन अंडरस्टैंड दिस कि इकट्ठे मिलके हम आगे बढ़ सकते हैं ताकि सबका फायदा हो। अब हमने क्या फैसला किया है बेटा, एंड आई एम सीइंग दिस इंक्रीजिंगली कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध है, हमने काफी कोशिश की, हर बार पहल की उनको सुधारने के का हमने प्रयास किया लेकिन नतीजा ठीक नहीं हुआ, तो हमने फिर सेकंड ऑप्शन लिया कि इग्नोर करिए, वो जो करते हैं उनको करने दीजिए, हम आगे बढ़ जाएंगे। कई बार मैंने सुना है हमारे जो लीडर्स हैं, और मैं खुद ये कहता हूं कि उनका धर्म है हमारी मुखालफत करना, हमारा धर्म है आगे बढ़ना, हमें वो करना है जो हमें करना चाहिए। हमारे पास तो एक टारगेट है 2047 टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भारत, एयर भारत अब उड़ चुका है, और जिस तरह आजकल सारी एयरलाइंस जो भारत में ऑपरेट करती हैं, मैं बेटा भोपाल से होके आया हूँ बाय एयर इंडिया, तो उन्होंने भी शुरू कर दिया। हमें बड़ी खुशी होती है ये ऐलान करते हुए कि हम निर्धारित समय से 15 मिनट पहले लैंड कर गए। अब भारत का तो टारगेट है, डेस्टिनेशन है 2047, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ विद फुल कॉन्फिडेंस एज एन इकोनॉमिस्ट, एज अ डिप्लोमेट, एज एन एम्बेसडर, कि हम उससे बहुत पहले सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे एज अ डेवलप्ड कंट्री। सो आई हैव द एम, आई हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरे पास सेल्फ एस्टीम है, आत्मसम्मान है, और मेरे पास सेल्फ रिलायंस है, और इन सबको जब मैं मिलाता हूँ देन आई हैव प्राइड इन माई सेल्फ, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा विश्वास है, मैं दुनिया भर में इसको देखा है। बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन सर पाकिस्तान आपको क्या लगता है कहां से ट्रैक से हट गया इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो क्या कभी पाकिस्तान में इकोनॉमी पे काम हुआ ही नहीं, और अगर हुआ तो फिर ये ट्रैक से हटके सिर्फ लोन्स पे और डोनेशंस पे कब चला गया? जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था इन 47 और हम लोग भारत की स्वाधीनता, भारत को स्वाधीनता मिली, इंडिपेंडेंस, बहुत देर तक पाकिस्तान की इकोनॉमी हमसे कहीं ज्यादा रफ्तार से ग्रो कर रही थी और लोग कहते थे शाइनिंग एग्जांपल ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, विकासशील देशों के लिए एक बहुत अच्छी कहानी है पाकिस्तान की जो पाकिस्तान इस समय लिख रहा है। बहुत डेवलपमेंट वॉज, 6-10% आपकी इकोनॉमी ग्रो करती थी, हमारे को तो कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 1.5-2%, लेकिन आप लोगों की इकोनॉमी बेस्ड थी फॉरेन इंटरवेंशन पे, वहां से पैसा लिया, कुछ इन्वेस्टमेंट आया, हमारी थी मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज। तो मेरा ये मानना है कि ये आदत पड़ गई कि जो कुछ होना है वो विदेशी आके करेगा। चीन में भी काफी हद तक यही आदत पड़ गई है कि विदेशी पैसा आएगा हम उसको लगाएंगे, हम उनकी नकल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब जब विदेशी पैसा नहीं आ रहा है तो चाइनीज इकोनॉमी आप देखिए कितनी परेशान है, क्योंकि डोमेस्टिक रिसोर्सेज को उन्होंने मोबिलाइज नहीं किया जो हमने किया था। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने भी यही गलती की थी, लेकिन इट इज नॉट टू लेट सुधारने के लिए। अगर पाकिस्तान अपना गोल डिफाइन करे, मेरा गोल है 2047, आपका क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, ये रोमान पढ़िएगा लुईस कैरल का एलिस इन वंडरलैंड। अब उसके अंदर क्या होता है कि चेशायर कैट से एलिस कहती है कि मुझे यहां से बाहर निकलने का, वंडरलैंड से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हो, तो चेशायर कैट पूछती है आपने जाना कहाँ है, एलिस कहती है मुझे क्या फर्क पड़ता है मैं कहीं जाऊं, तो फिर कैट कहती है कि फिर कोई भी रास्ता ले लो। तो पाकिस्तान का डायलेमा यही है, आप जाना कहाँ चाहते हैं। उसके अंदर एक और कैरेक्टर है एलिस इन वंडरलैंड में, वो एलिस से पूछता है कि भाई आप कौन है, तो वो जवाब देता है हाँ ये तो देखो कितनी बड़ी मिस्ट्री है कि मैं कौन हूं। आपकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन क्या है, कौन है आप, आप टर्किश हैं, आप अरब्स हैं, आप इंडियंस हैं। अगर एक बार आप इसका फैसला कर लें कि ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा लक्ष्य है, फिर आप देखेंगे किस तरह से दरवाजे खुलते जाते हैं। अभी क्या हुआ है क्योंकि कुछ लिमिटेड लोग, फौज और ये जो फैमिलीज आपकी बड़ी पावरफुल है,
तो जो आम नागरिक है मैम वो पाकिस्तानी स्टेट से अलग हो गया है और वो सोचता है कि वायलेंस हिंसा एक लेजिटिमेट ऑल्टरनेटिव है। मेरे जितने दोस्त हैं जिनसे मैं बात करता हूँ कहता मैं बलूच हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं मुहाजिर हूँ, मैं ट्राइबल हूँ, हम तो डिटेस्ट करते हैं पंजाबी डोमिनेटेड एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन सब मुसलमान हैं। फिर भी ये क्यों होता है? आप लोग कहते रहते हैं कि यू नो द लीडरशिप जो आपकी आपकी बात नहीं कर रहा बेटी, आप तो बहुत ब्रॉड माइंडेड है, ये हिंदू इंडिया को आप बस हम लोग वो हमको खा जाना चाहता है, वो टाइगर मैं नहीं खाना चाहता, मैं बदहजमी नहीं चाहता हूँ। I have today decided कि मेरे सामने ये गोल है और सब लोगों को मिलके इसे इंप्लीमेंट करना है। अब हमारी इलेक्शंस होने वाली है, ये जीतेगा वो जीतेगा, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? हमारा गोल तो बिल्कुल क्लियर है। तो जब ये माइंडसेट बदलेगा ना बेटा, दैट माय प्रायोरिटी इज नॉट कश्मीर, मैं बड़े आराम से ये बता रहा हूं, अगर पाकिस्तानी समझ जाए कि मेरी प्रायोरिटी वो टेरिटरी नहीं है, वो जमीन नहीं है जिसे हम कश्मीर कहते हैं, मेरी प्रायोरिटी डेवलपमेंट है। अगर आप इसको समझ जाएं इंस्टेड कि आपका जो भविष्य आपने पूरा उसको हॉस्टेज बना दिया कश्मीर पे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अगर कश्मीर नहीं मिलेगा तो मैं कभी तरक्की नहीं करूंगा, ये कौन कहता है? चाइना का आप देखिए ताइवान के साथ, चाइना चाहता क्या है? वो छोटा सा एक आइलैंड चाहता है, लेकिन चाइना का इस समय हालत इतनी खराब है, जब उसके पास शक्ति थी, बहुत बड़ी ताकत थी इकोनॉमिक, तब भी वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो छोटे से आइलैंड को लेना इतना महंगा पड़ेगा, उसकी छवि इतनी खराब हो जाएगी, इतना खर्चा आएगा, उसको फिर बाद में वापस ट्रैक पे आना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये माइंडसेट को बदलना है कि क्या मुझे एक छोटी सी जमीन चाहिए या मुझे डेवलपमेंट चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मैं जब मैं सूडान में भारत का राजदूत था तो दक्षिण सूडान अलग हो गया था, दो देश बन गए, और मैं बात करता था विद द पीपल ऑफ साउथ सूडान विद द लीडरशिप, मेरे बहुत दोस्त है, अभी भी मैं स्पेशल एडवाइजर हूँ, कई बार मुझसे पूछता कि आपका गोल क्या है, व्हाट डू यू वांट? अब एक तो होता है अफसाना, हम दुनिया का सबसे अमीर देश बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लोग क्या दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन आप लोग चाहते क्या? तो फिर कहते हैं हमें ये चाहिए कि भाई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, ये हो ये हो, और फिर हमेशा मुझे कहते हैं कि इंडिया इज आवर चॉइस, रोल मॉडल जो होता है जिसकी हम नकल करें वो हमारे लिए भारत है। और फिर बेटी एक बहुत पुराना पेप्सी का इश्तेहार आता था, मेरा जवाब हमेशा वही होता है, जब वो कहते हैं ना कि हमारे आवर चॉइस इज इंडिया, तो मैं जवाब देता हूँ यही है राइट चॉइस बेबी, जो इश्तेहार आया करता था मेरे बचपन में पेप्सी का, कि फॉलो द पाथ, हमने व्हाई डू यू री इन्वेंट द व्हील, हमने आपको बता दिया है कि हम शायद आपको नहीं बता पाएंगे जब मैं इन देशों में जाता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर बता दूंगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। और अगर ये चीजें आप लोग समझ जाएं, गिव अप दिस ऑब्सेशन, कुछ नहीं मिलने वाला, 75 साल में क्या मिला है, कितना खर्चा किया, हमने तो एक एनालिसिस किया था, $1 बिलियन अगर आप हर रोज खर्च कर रहे हैं या $100 मिलियन, कितना टोटल अमाउंट तब से लेके आज तक, शायद हमने एक $500 बिलियन स्पेंड कर दिया। मैं तो अब्सॉर्ब कर सकता हूँ, मेरी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आपकी $250 बिलियन की आप नहीं अब्सॉर्ब कर पाते। तो अगर इतना खर्चा हो रहा है, मिला क्या है? अब तो सच्चाई को पहचानिए। मेरा बहुत गहरा संबंध है बहुत बौद्ध धर्म से, तो भगवान बुद्ध ने यही कहा कि नेवर लाई टू योरसेल्फ, अपने आप से झूठ मत बोलो, इंट्रोस्पेक्शन करो और आपको रास्ता मिल जाएगा। बहुत से होशियार लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, ये अलग बात है कि पढ़े लिखे लोग सारे विदेशों में भाग जाते हैं, शायद कहते हैं 10 लाख पिछले साल चले गए एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो फ्यूचर है मैम ये आपको मिलेगा जब आप अपने अंदर देखेंगे। और आप तो जा रहे हैं टूवर्ड्स प्रिमिटिव रिलीजन, सऊदी अरेबिया को देखो, अब आपके जो न्यूयॉर्क में अम्बेसडर हैं वो शायद 80 साल के हैं और 20-25 साल पहले होते थे, किसी लड़की को पीट पूट दिया था जो उनकी लिव इन पार्टनर थी, तो पुलिस आ गई थी गिरफ्तार करने, बड़ी बड़ी कहानियां उनके बारे में सुनी है। तो अब क्या है कि सऊदी अरेबिया या लेबनान या यूएई कोई नहीं बात करता अबाउट मुस्लिम्स इन इंडिया, वो कहते हैं जी हम उनके रखवाले नहीं है, भारत नोज वॉट टू डू, लेकिन आपके अम्बेसडर ओ जेनोसाइड हो रहा है मुस्लिम्स का, भाई टाइगर ये तो मैं तेरे को बता देता हूँ, जेनोसाइड एथनिक ग्रुप के अगेंस्ट होता है, रिलीजियस ग्रुप के नहीं होता। मुसलमान लोग दुनिया के 150 देशों में रहते हैं, तो क्या सभी देशों में जाके हम उनको मार रहे हैं? यू नो ही इज लॉस्ट हिज माइंड, इतना हेट्रेड नफरत भरी हुई है कि वो सच्चाई देख नहीं चाहते। सो जिस दिन जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, अगर आप उनको डेवलपमेंट दे दें
पीस दे दे, प्रॉस्पेरिटी दे दे एज एन ओपियम, इट इज अ मोर पावरफुल नारकोटिक देन रिलीजन, ये मेरा मानना। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और दीपक बोरा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहां पे आपने देखा दीपक बोरा साहब ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल हैं बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ज्यादा कमाल का, और कैसे सरल शब्दों में एग्जांपल्स के साथ वो पूरी कंडीशन को और पूरी सिचुएशन को समझा देते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं दीपक बोरा साहब के पास कई दशकों का एक्सपीरियंस है अलग अलग देशों में राजदूत रहने का, तो इसलिए उनको बहुत ही जबरदस्त डीप नॉलेज रहती है खासकर ग्राउंड रियलिटी की। और दूसरी ओर आपने देखा दीपक बोरा साहब एक जबरदस्त देशभक्त है और हम सबको उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।